प्रयागराज में अतीक की लगभग 8 करोड़ कीमत की जमीन का खुलासा हुआ है। तो अतीक की लगभग 5 करोड़ की जमीन का खुलासा हुआ है। अतीक ने दबंगई के बल पर अपने नाम कराई थी जमीन, 8 करोड़ की जमीन दबंगई के बल पर अतीक अहमद ने अपने नाम कराई थी, जिसका खुलासा हुआ है। करेली थाना क्षेत्र में ये जमीन है, कुर्की की तैयारी में है। पुलिस अतीक पर बिल्डरों को धमकाकर जमीन हड़पने का आरोप लगातार लगता हुआ आया था। अब इस मामले पर एक और खुलासा हुआ है, जहां अतीक की लगभग 8 करोड़ कीमत की जमीन का खुलासा हुआ है। अतीक ने दबंगई के बल पर अपने नाम इस जमीन को करा लिया था। तो दबंगई के बल पर अतीक अहमद ने जमीन को अपने नाम कराया था, जिस पर अब कुर्की की तैयारी में है पुलिस। करेली थाना क्षेत्र में ये जमीन है, जिस पर कुर्की की तैयारी कर रही है पुलिस। रुक करेंगे पवन का, फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, देखिए अतीक की एक और जमीन का खुलासा हुआ है, 8 करोड़ की जमीन बताई जा रही है। आखिर किस बिल्डर की ये जमीन थी? उस बिल्डर ने क्या कभी कार्रवाई की मांग नहीं की क्या? बिल्कुल मुस्कान, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद का जो वर्चस्व था वो पूरा पूर्वांचल ने देखा था। हालांकि अगर पूरे पूरे मामले की शुरुआत से बात करें तो प्रयागराज में अतीक अहमद के जो पतन का दौर है वो बीते 24 फरवरी से शुरू हुआ था, जब उमेश पाल की हत्या की गई थी। उस पूरे हत्या में अतीक एंड कंपनी का नाम आया था और तब से पुलिस लगातार अतीक एंड कंपनी के ऊपर कार्रवाई करती चली आ रही है। और जिस तरीके से कमिश्नरेट प्रयागराज में पुलिस द्वारा ऑपरेशन जिराफ चलाया जा रहा है, ऐसे में पुलिस ने अतीक अहमद की तमाम वो जो बेनामी संपत्तियों थी उसका खाका तैयार किया, उसको खंगाले गए और कई स्थानों पर अतीक अहमद के करोड़ों की संपत्ति को पुलिस द्वारा कुर्क किया गया, कार्रवाई किया गया। और ताजा कार्रवाई की बात करें तो ऑपरेशन जिराफ के तहत पुलिस को करेली क्षेत्र के 16 मार्केट में अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति है वो मिली है, जिसमें यह कहा गया है कि बिल्डर को डरा धमकाकर वो संपत्ति को अपने नाम अतीक अहमद ने दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने इस बेनामी संपत्ति को चिन्हित कर लिया और जल्दी उस पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अगर उसकी बात करें तो उसकी अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपए के आसपास की आंकी गई है। अब इस पर किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करेगी और किस दिन कार्रवाई करेगी ये अभी तक आधिकारिक तौर से नहीं कहा गया है, लेकिन ये कहा गया है कि पुलिस इस पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और जल्दी इस पर कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वकीलों ने की पुलिस पर कार्रवाई किए जाने की मांग। तो लखनऊ में एक बार फिर से वकीलों ने पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग की है। वकीलों ने पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग की है। जबरन बर्बरतापूर्ण पिटाई का पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा है। तो बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई का आरोप पुलिसकर्मियों पर लगा है। विभूति खंड थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की गई है, जिस पर अब अधिवक्ताओं ने एकमुश्त होकर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। अधिवक्ता की तरफ से दर्ज हुई पुलिसकर्मियों पर FIR, तो अधिवक्ताओं की तरफ से पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही कार्रवाई किए जाने की मांग अधिवक्ताओं ने उठाई है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की गई है। पुलिसकर्मियों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से वकील की पिटाई का आरोप लगा है। समिट बिल्डिंग चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की गई है। IPC की धारा 147, 323, 325 और 504 के तहत केस दर्ज किया गया है। समिट बिल्डिंग चौकी इंचार्ज के साथ अन्य पुलिसकर्मियों पर भी FIR दर्ज की गई है। KGMU में रैगिंग को लेकर बड़ा एक्शन। तो लखनऊ के नामचीन कॉलेज KGMU में रैगिंग को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। जूनियर रेजिडेंट्स की शिकायत पर 4 डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है। जूनियर रेजिडेंट की शिकायत पर 4 डॉक्टर्स पर सस्पेंशन की एक कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के बाद ये कार्रवाई की है और जांच करने के दौरान 4 डॉक्टर्स दोषी पाए गए, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। एक रेजिडेंट डॉक्टर 3 महीने के लिए भी सस्पेंड हुआ। तीन रेजिडेंट डॉक्टर को 1 महीने के लिए निलंबित किया गया है। तो 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को 1 महीने के लिए निलंबित किया गया है। तो रैगिंग मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान आरोप सही पाए जाने के बाद 4 डॉक्टर्स पर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। रामलला के दर्शन करने जाएंगे विधायक मनोज पांडे। सपा विधायक आज रामलला के दर्शन करने जाएंगे। मनोज पांडे आज अयोध्या पहुंचेंगे, जहां सपा सचेतक पद छोड़ने के बाद
आज अयोध्या जाएंगे मनोज पांडे, रामलला के दर्शन पूजन करते हुए मनोज पांडे नजर आएंगे। अपने एक्स हैंडल पर मनोज पांडे ने इसकी जानकारी दी है, तो एक्स पर मनोज पांडे की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आज वो रामलला के दर्शन करने जाएंगे। रायबरेली के ऊंचाहार से सपा विधायक है मनोज पांडे, जिन्होंने मुख्य सचेतक के पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है। राज्य सभा चुनाव के दौरान उन्होंने सपा सचेतक के पद से इस्तीफा दिया और आज रामलला के दर्शन करने जाएंगे विधायक मनोज पांडे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकास प्रोडक्शन.gfx@gmail.com।